नमस्कार, इन टाइम्स के साथ मैं हूं कोमल शर्मा। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। देशभक्ति से ओतप्रोत गीत गूंजते ही हर एक भावुक हो उठा। अमर शहीदों के परिजनों की आंखों से तो आंसू ही छलक पड़े। यह नजारा था मंगलवार की रात जेएमडी परिसर का, जहां रतलाम प्रेस क्लब द्वारा आयोजित एक शाम शहीदों के नाम संगीत का आयोजन किया गया था। एक शाम शहीदों के नाम संगीत श्रद्धांजलि में शहीदों के सम्मान में गायक विजय पाठक इंदौर सहित स्थानीय गायक श्रीमती संगीता जैन, श्रीमती राधा चाहर तथा इरफान ने देशभक्ति गीतों के नगमे कुछ इस तरह से प्रस्तुत किए। समारोह में प्रेस क्लब ने शहीद लेफ्टिनेंट कमांडर धर्मेंद्र सिंह चौहान, शहीद चंपालाल मालवी, शहीद मोहन सिंह झाला, शहीद रामजी यादव, शहीद कमरुद्दीन के परिजनों का सम्मान भी किया। शायद की शहादत के लिए हमारे पास शब्द भी नहीं है जिसे कहकर हम इनका धन्यवाद व्यक्त कर सके, आभार व्यक्त कर सके। नामली थाना प्रभारी किशोर पाटनवाल तथा यातायात थाना प्रभारी सीमा भंडारी ने भी शहीदों के सम्मान में अपनी प्रस्तुतियां। समारोह में पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी, महापौर डॉक्टर सुनीता यारदे, डीआरएम आरएन सुनकर, निगम अध्यक्ष अशोक पोरवाल, एमआईसी सदस्य सूरज सिंह जाड़, यास्मीन शेरानी, भाजपा महामंत्री प्रदीप उपाध्याय सहित शहर के गणमान्य साक्षी बने। शहीद लेफ्टिनेंट कमांडर शहीद धर्मेंद्र सिंह चौहान की माता श्री तम्मा कुंवर ने रतलाम मेडिकल कॉलेज का नामकरण अपने शहीद पुत्र के नाम पर करने का प्रस्ताव रखा, जिसका प्रेस क्लब ने समर्थन कर प्रयास करने का भरोसा भी दिलवाया। समारोह में प्रेस क्लब अध्यक्ष राजेश जैन सहित सदस्य उपस्थित थे। स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पूर्व स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर में भैया बहनों ने रंगोली के माध्यम से अखंड भारत संकल्प दिवस मनाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विवेक चौधरी ने इस मौके पर उपस्थित भैया बहनों को संबोधित करते हुए कहा, भारत की संस्कृति अखंड भारत में नजर आती है। राष्ट्र दायित्व का बोध हो तो भारत पुनः अखंड होगा।
इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि पूर्व छात्र आशीष मेहता, विकास राठौर थे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर किया। अतिथि परिचय प्राचार्य श्री जितेंद्र तिवारी ने दिया। अतिथियों का स्वागत चंद्र सिंह देवड़ा व हेमंत कांटेर ने किया। बालिका शिक्षा प्रमुख श्रीमती प्रतिमा सिंह के नेतृत्व में अतिथियों द्वारा किशोर भारती, बाल भारती व कन्या भारती को शपथ दिलवाई गई। किशोर भारती में प्रधानमंत्री पद पर बहन प्रियांशी व्यास, कन्या भारती की अध्यक्ष अर्पिता पाटीदार, उपाध्यक्ष प्रज्ञा पाटिल व सभी सांसद व मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई। कार्यक्रम के अंत में भारत माता की आरती की गई। संचालन बहन जीनल दशोत्तर ने किया। आभार प्रदर्शन सरस्वती शिशु शिक्षा समिति के व्यवस्थापक रशेश राठौर ने किया। सरस्वती शिशु शिक्षा समिति के सह सचिव मणिभद्र कटारिया भी उपस्थित थे। शहर की जर्जर सड़क पर हो रहे गड्ढों से प्रभावित हो रही व्यवस्थाएं निगम प्रशासन को तो नकारा साबित कर रही, जिससे जन आक्रोश पनपता जा रहा है। गड्ढों के कारण होने वाले सड़क हादसों पर जब नगर निगम गंभीर नहीं दिखा तो स्वयं नागरिकों ने पहल करना शुरू कर दी। एक ऑटो चालक ने स्वयं अपने हाथों से गड्ढों को भरना शुरू कर दिया। बारिश से उखड़ी सड़कों पर नगर निगम की बेरुखी से अब परेशान वाहन चालक खुद सड़कों को ठीक करने में लगे हैं। इसका नजारा शक्ति नगर मेन रोड पर कल शाम को देखने को मिला। एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला वृद्ध व्यक्ति अपने ऑटो में मुरम भरकर लाया और खुद सड़क के गड्ढे भरने लगा। इस ऑटो चालक ने शक्ति नगर मेन रोड के गड्ढे खुद अपने हाथों से मुरम डालकर भरे। इस ऑटो वाले का कहना है कि वह अपने ऑटो में जब सवारी बैठा कर इधर से निकलता है तो ऑटो में बैठी सवारी धचके में परेशान हो जाती है और ऑटो को भी नुकसान पहुंचता है। नगर निगम इस सड़क के गड्ढे भरने में एक साल से भी ज्यादा समय होने के बाद भी अब तक सफल नहीं हुआ और अब बारिश की वजह से यह गड्ढे खतरनाक हो गए। वाहन चालकों के लिए कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। ऐसे में वह खुद इन गड्ढों को भर रहा है ताकि खुद की रक्षा के साथ दूसरों की रक्षा भी हो सके और सभी लोग सुरक्षित इस सड़क से गुजर सके। तो यहाँ पे है ना, रोज आता हूँ तो ये खड्डे है ना, मेरे को 2-3 साल जब से नल खुदा उसके बाद से खड्डे भरे ही हैं और यही हालत है यहाँ पे। रोज मेरी गाड़ी खुदती है इसलिए मैं यहाँ मटेरियल पड़ा था तो मैं मटेरियल डाल रहा हूँ इसके अंदर। नगर पालिका डाल गई थी तो मैं आगे से लेके आके यहाँ डाल रहा हूँ मेरी गाड़ी से। तो देख रहा हूँ मैं इनके काम रोज आ रहे हैं और वहाँ पे इधर जहाँ जरूरत नहीं वहाँ फैला देते हैं और ये खड्डे जस के तस पड़े हुए हैं। 3-4 खड्डे बड़े बड़े, गाड़ी कूदती है इसमें, हमारे साका बाका सब खराब हो रहे हैं। ये कम से कम ये 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गया इसको, पिछले साल से 1 साल हो गया करीब करीब। ये 4 गड्ढे ऐसे हैं जो पाइपलाइन के लिए खोदा था इनने, नल की लाइन डाली थी, जब से ऐसे ही है। बैंक ऑफ इंडिया ने बुधवार को ग्राहक मिलन समारोह का आयोजन किया। समारोह में राष्ट्र निर्माण में बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका विषय पर परिचर्चा की गई। समारोह में मुख्य अतिथि DRM आर.एन. सुनकर ने बैंक के गौरवशाली इतिहास पर कहा, बैंकिंग सेवा में शुरू से यह बैंक किसानों, उद्यमियों तथा जन सामान्य के साथ रहा है। समारोह में बतौर अतिथि मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित, जल अधीक्षक आर.आर. डांगी भी मंचासीन रहे। इस मौके पर बैंक के जिला समन्वयक राम राजेंद्र मणि सहित बैंक अधिकारी एवं बैंक कर्मी तथा ग्राहक उपस्थित थे।